सीधे लिए चलते हैं इस वक्त दिल्ली विधानसभा, अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं आपको। दो मांग हम कर रहे हैं इनसे, एक तो ये जो एमएलए खरीदते हो तुम, इन्होंने महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गोवा में, कर्नाटक में, आसाम में, अरुणाचल प्रदेश में, बिहार में, अब झारखंड में करने जा रहे हैं। बता रहे हैं 20-20 करोड़ से 50-50 करोड़ रुपए तक के एमएलए खरीदे हैं। 6300 करोड़ रुपए इन्होंने एमएलए खरीदने में खर्च कर दिए, जिसकी वजह से देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए। तो आज पहली मांग तो इस देश के लोगों की आ रही है, एमएलए खरीदना बंद करो, बहुत हो गई गुंडागर्दी, सरेआम मंडी बना रखी है इन्होंने एमएलए की, एमएलए खरीदना बंद करो और ये पेट्रोल और डीजल के दाम कम करो। और दूसरी मांग है कि ये कर्जे जो तुम लोगों ने अपने दोस्तों के कर्जे माफ करते हो, ये सारा पैसा रिकवर किया जाना चाहिए और किसानों के और स्टूडेंट्स के कर्जे माफ किए जाने चाहिए, ना कि दोस्तों के कर्जे। ये डिबेट आजकल अमेरिका में भी चल रहा है, अमेरिका के अंदर भी दो पार्टियां हैं। जो बिडेन साहब अभी स्टूडेंट्स के कर्जे माफ कर रहे हैं, दूसरी पार्टी है जो इनके दोस्त की पार्टी है, वो कह रहे हैं स्टूडेंट्स के कर्जे माफ नहीं होने चाहिए, अरबपतियों के कर्जे माफ होने चाहिए, वो इसका विरोध कर रहे हैं। वहां भी यही चल रहा है और यहां भी यही डिबेट चल रहा है इस देश के अंदर कि क्या अरबपतियों के कर्जे माफ होने चाहिए या किसानों के और स्टूडेंट्स के कर्जे माफ होने चाहिए। मैंने पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं जो टीवी में चल रहा है, जो डिबेट चल रही है, बहुत आहत हूं मैं। ये चल क्या रहा है, मतलब ऐसा लड़ाई झगड़ा, हमारा कसूर क्या है? मैं देख रहा था स्कूलों के ऊपर ऐसे टूट के पड़े हैं ये, कि इन्होंने क्या आरोप लगा रहे हैं कि इतने स्कूल क्यों बना दिए। तो स्कूल बनाना तो अच्छी बात है, किसी भी देश में स्कूल बनाना तो अच्छी बात है, बताओ क्या गलत करा। इनका दूसरा आरोप है स्कूलों में इतने कमरे क्यों बना दिए। अब कमरों में हम तो रह नहीं रहे, बच्चे पढ़ रहे हैं यार कमरों के अंदर, तुमको क्या तकलीफ है? बोले गरीबों के बच्चों के लिए इतने कमरों की क्या जरूरत है, गरीबों के बच्चे तो कम कमरों में भी पढ़ लेंगे, एक एक कमरों में 100-100 ठूस दो पढ़ लेंगे। अरे हम गरीबों के बच्चों को, मिडिल क्लास के बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, तुमको क्या तकलीफ है? तुम अपने बच्चों को विदेश भेजते हो, हम अपने बच्चों को अपने देश के अंदर अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते क्या? कहते गरीबों के बच्चों के लिए इतने स्कूल बना दिए, गरीबों के बच्चों के लिए इतने टॉयलेट क्यों बना दिए? बताओ टॉयलेट, ज्यादा टॉयलेट बना के हम क्या करेंगे उसका, हमारा उसमें क्या रोल है यार? पहले ऐसे जमाना था जहां पे टॉयलेट्स ही नहीं होते थे स्कूलों के अंदर, बच्चियों को अपने घर जाना पड़ता था अगर जरूरत पड़ती थी। आज अगर हमने अच्छे टॉयलेट बना दिए, वहां हमारी बेटियों को